आज हमारे पास है गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर 2014-15 का मॉडल, और गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेंट है कि गाड़ी का रिमोट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, इसमें ना इंडिकेटर आ रहा है ना लॉक पे ना अनलॉक पे। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अनलॉक पे हल्का सा गन का साउंड आता है, मगर गाड़ी हमारी लॉक नहीं हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी गन भी काम नहीं कर रही है इसकी। ठीक है, अनलॉक पे हो रहा है। ठीक है, तो गाड़ी को जैसे ही इससे लॉक कर देंगे, ये लॉक हो चुकी है गाड़ी हमारी। ठीक है, तो इससे अनलॉक करेंगे, गाड़ी हमारी अनलॉक हो जाएगी। ये अनलॉक हो गई, तो लॉक करेंगे तो गाड़ी हमारी लॉक नहीं होगी। ठीक है, ये लॉक गाड़ी नहीं हो रही है, और इससे अगर जैसे ही लॉक कर देते हैं तो गाड़ी हमारी अनलॉक हो जाती है। ये अनलॉक हो गई है और ये लॉक नहीं हो रही है, और इसमें कोई डोर स्विच का लाइट नहीं आ रही है, और ना ही इसके लॉक अनलॉक करने पे इसके इंडिकेटर आ रहे हैं। तो बताने वाले हैं इसका प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले दिखाते हैं इसमें रिमोट, इसकी जो गन बैक मारती हैं, तो इसकी गन भी बैक नहीं मार रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को इसका गेट खोलना पड़ेगा एक ड्राइवर साइड का। तो ये ड्राइवर साइड का हमारा डोर ओपन हो चुका है, और इसमें मीटर में डोर लाइट आ चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें चाबी तीन बार, एक बार ऑन ऑफ करेंगे, इसकी चाबी ऑन ऑफ करके चाबी ये बाहर आ चुकी है हमारी। ठीक है, और डोर से तीन बार दबाएंगे, 1, 2, 3। ठीक है, तो चाबी ऑन करके ऑफ करके बाहर जैसे ही निकालेंगे तो गने हमारी फ्लैश करेंगी। ये गन भी हमारी फ्लैश नहीं कर रही है। ठीक है, तो दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे, तो चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी डिग्गी खोलना पड़ेगी, तो डिग्गी के लॉक ओपन करते हैं। ये डिग्गी हमारी खुल चुकी है, तो चलते हैं डिग्गी में। तो डिग्गी हमारी खुल चुकी है, और इसका ये लॉक ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो इसमें ये सॉकेट लगी है, तो इस सॉकेट को हम रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे सॉकेट को। ये सॉकेट हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इसको लगा देंगे वापस से, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। फ्रेंड्स गाड़ी के सारे फ्यूज सही हैं और सारे वायरिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, और लॉक अनलॉक हमारा काम नहीं कर रहा है। तो पीछे से डिग्गी का स्विच हमने बाहर कर दिया है, तो उसके बाद में देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई। तो सबसे पहले गाड़ी को रिमोट प्रोग्राम करके देखेंगे कि गन हमारी बैक मार रही है नहीं मार रही है। तो ड्राइवर साइड का डोर ओपन करते हैं, तो ये डोर लाइट हमारी आ गई है, और चाबी करेंगे ऑन, ऑन करके ऑफ कर ली। ठीक है, तो तीन बार डोर स्विच, 1, 2, 3। ठीक है, तो अब इसकी चाबी ऑन करके ऑफ करेंगे, गन अभी बैक नहीं मारा, ऑफ। ये गन हमारी बैग मार चुकी है, ये गन हमारी बैग मार चुकी है। वापस एक बार और करके दिखाते हैं, चाबी ऑन ऑफ, और तीन टाइम डोर स्विच, 1, 2, 3। तो चाबी जैसे ही ऑन करके ऑफ करेंगे तो गने हमारी फ्लैश करेंगी, ये गने हमारी फ्लैश करने लगी, 1, 2, 3। ये गने हमारी फ्लैश करने लगी हैं, बैक मारने लगी गाने। तो अब रिमोट को चेक करेंगे कि हमारा रिमोट वर्किंग में आया कि नहीं आया। तो लॉक करते हैं गाड़ी को, लॉक नहीं हुई, अनलॉक किया, अनलॉक हो गई, और लॉक नहीं हो रही है गाड़ी। ठीक है, ये लॉक नहीं हो रही गाड़ी, तो इसके लिए देखेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये रिमोट का हमारा थोड़ा बटन थोड़ा टाइट काम कर रहा है, मगर रिमोट हमारा वर्किंग में आ चुका है, तो ये अनलॉक हो गई गाड़ी, और बटन इसका ये लॉक हो गई गाड़ी, बटन इसका थोड़ा टाइट काम कर रहा है रिमोट का, ये अनलॉक और ये लॉक, ये अनलॉक, ये लॉक, और इसके इंडिकेटर जो नहीं आ रहे थे इंडिकेटर हमारे, ये इंडिकेटर अनलॉक पे आ चुके हैं, और लॉक, ये लॉक पे इंडिकेटर आ चुके हैं। तो हमारा रिमोट वर्किंग में आ चुका है, इसके स्विच में दिक्कत थी डिग्गी वाले में। तो अगर भाई का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।